किसी लड़की पे आपका दिल आ गया है और आप चाहते हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब उसे गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसे इम्प्रेस तो करना ही होगा। अब कैसे करे, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीकों से बताऊंगी कि कैसे किसी लड़की को हटाया जाता है या फिर इम्प्रेस किया जाता है, कैसे कोई लड़की इजीली आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो सारे टिप्स को जरूर फॉलो करना। देखो, लड़कियां ना बहुत चालाक होती हैं। अगर उसे कोई बेनिफिट नजर नहीं आया तो वो तुमसे बात भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो उसे अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने के लिए बॉयज को ज्यादा कुछ करना नहीं होता, जैसे अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, अपने लुक्स पे ध्यान दे दो, वो अट्रैक्ट हो जाएगी। नंबर 2, जब कोई इंसान आपसे कोई बेनिफिट देखता है तभी जाके वो आपसे बात करता है, और लड़कियां तो इसमें सबसे माहिर होती हैं। जब वो आप पे कोई बेनिफिट देखेगी, इट मीन्स कि उसे लगेगा ये पर्सन इंटरेस्टिंग है, ये फ्यूचर में या अभी मेरी कोई हेल्प कर सकता है, तभी जाके वो आपसे कांटेक्ट में आएगी। तो जब भी वो आपसे मिले या फिर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो इंटरेस्टिंग बात करें, सेम इंटरेस्ट वाली बात करें, जिससे ये होगा कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा अटैच होगी, कनेक्शन बढ़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा उसे समझने का। जब तुम उसे समझ जाओगे तो उसे बताना तो इजी हो ही जाएगा। नंबर 3, उसके मतलब की बातें करें। देखिए, लड़कियां ना हमेशा मतलबी चीजों पे ज्यादा ध्यान देती हैं। ये लड़का क्या है, कैसे है, क्यों और कैसे मेरी हेल्प कर सकता है, इसका स्टेटस कैसा है, इसकी बैकग्राउंड कैसी है, इसके पास मनी कैसा है और इसके पास दिमाग कैसा है, ये सारी चीजें वो देखती है, तभी जाके आपकी पूरी बायोडेटा वो लेगी। क्या इसके पास वो चीज है जो मैं चाहती हूँ? तो सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश कीजिए। इंटरेस्ट जानने के लिए आप जब उससे बातें करोगे तो वो उनकी उसकी बातों पे आप ये चीज पकड़ सकते हो। सेम इंटरेस्ट की बातें करो, जब उसकी कोई मतलब है, उसका जो फायदा है, उसे जल्दी पूरा मत करो। अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट में सिर्फ फायदे के लिए ही आई है तो उस फायदे को इनिशियली पूरा मत करो, थोड़ा सा टाइम लो। इस टाइम में अपनी आदत लगवाओ उसे। देखो, चैट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू ज्यादा आदत नहीं लगती है। हो सके, पॉसिबल हो तो आप उससे कॉल में बात करो, लेट नाइट चैटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि लेट नाइट एक रोमांटिक सा चैट बनता है और लड़कियां उस समय रोमांटिक फील करती है। तो लेट नाइट चैट करो, अपनी लत उसे लगवाओ। जब उसे तुम्हारी लत लग जाएगी ना, वो तुमसे बिना बात के रह नहीं पाएगी। बस यही तो चाहिए। जब वो तुमसे बिना बात किए रह नहीं पाएगी तो बात तो आगे बढ़ेगी ही ना। बार बार तुम उससे बात करोगे और उसके कांटेक्ट में आओगे, बात आगे बढ़ेगी। और टाइम देके तुम्हें उसे प्रपोज भी करना है, प्रपोज भी कुछ रोमांटिक तरीके से करना होगा। नेक्स्ट है कि इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करें। अगर इमोशनल अटैचमेंट हो गई ना, तो फिर वो आपसे सारी बातें शेयर करेगी। तुम अपनी एक सीक्रेट उसके पास रखो, वो अपनी 4 सीक्रेट तुम्हारे पास रखेगी। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम उससे इमोशनल बॉन्डिंग करोगे, इमोशनल अटैचमेंट करोगे। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा उसे समय देना ही पड़ेगा। जब वो तुम्हारे पास कोई शिकायत लेके आए या फिर कोई ऐसी बातें बोले, तुम उसे सुनने की कोशिश करो। थोड़ा सा उसके साथ फैमिलियर हो, उसके फैमिली के बारे में थोड़ी कंसल्ट करो, थोड़ी इसकी केयर भी करो। जब तुम उसकी केयर करते हो तो उसे लगता है कि ये बंदा अच्छा है और वो धीरे धीरे इंप्रेस होने लगती है। नेक्स्ट है कि उसकी तारीफ करना। देखो, लड़कियों को तारीफ पसंद होती है, सबसे ज्यादा उसकी खूबसूरती की और उसकी इंटेलिजेंस की, ये लड़कियां काफी सुनना पसंद करती हैं। तो बेसिकली ऐसी तारीफ करनी है जिसे उसे लगे कि तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, जो दुनिया उसमें नहीं देखती है तुम वो चीज उसमें देख रहे हो। तुम उसके करियर को लेकर सपोर्ट कर रहे हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर सपोर्ट कर रहे हो, उसकी ब्यूटी को लेकर सपोर्ट कर रहे हो। जब ऐसी चीजें हैं, उसे सपोर्ट करते हो तो वो तुम्हारे तरफ उसका झुकाव होता है, अटैचमेंट क्रिएट होने लगती है। कांटेक्ट में रहने के लिए थोड़ा सा घूमना घुमाना भी जरूरी है। थोड़ा सा घूमो, बात करो, एक दूसरे को और ज्यादा जानो। लड़कियों को घूमना घुमाना पसंद होता है तो घूमना जरूर जाए, इससे लड़कियां इंप्रेस होती हैं। उसे एक क्यूट से नेम से बुलाना, एक निक नेम जो तुमने उसे दिया है, बार बार उसे ये याद दिलाएगा कि ये पर्सन मुझे क्यूट नेम से बुलाता है, ये मुझे निक नेम से बुलाता है, तो थोड़ा वो आपके और पास आ जाएगी। इन सारे तरीकों को फॉलो करके आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे और वीडियोस के लिए फॉलो माय चैनल। थैंक यू।